हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर के अंदर। तो आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं कि सिल्वर के बारे में, सिल्वर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अपसाइड में या डाउन साइड में, कहाँ तक जा सकता है अपसाइड में, क्या सपोर्ट बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए गाइस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। गाइस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बड़े धमाकेदार आपको लेवल्स बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, सिल्वर के वीडियो के अंदर बताया था कि सिल्वर के अंदर आपको अपसाइड के अंदर मूवमेंट मिल सकते हैं गाइस। ठीक है ना, आपको क्लियरली मैंने बताया था कि आपको अपसाइड में मूवमेंट मिल सकते हैं। और मूवमेंट आपको मैंने यहाँ से कैप्चर करने के लिए बोला था कि 71,600। अगर यहाँ पर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो फिर आपको ईजिली आपको जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो 73,000 एंड 74,000 तक के आपको ईजिली इसके अंदर टारगेट मिल सकते हैं। ये मैं आपको रिमेंबर कराने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने जो आपको प्रीवियस समझाया था उसी से ही रिलेटिव अब मैं आपको दोबारा फिर समझाने वाला हूँ। ये जो नेक्स्ट वीक का प्रिडिक्शन आपको करके बताने वाला हूँ मैं, 25 सेप्टेम्बर यानी कि मंडे को क्या लेवल बनेंगे इसके अंदर, जहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निकल चार्ट्स एंड इसके अंदर आपको इंट्राडे शॉर्ट टर्म पोजिशनली बहुत सारे आपको लेवल्स मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ले जाने से पहले डिस्क्लाइमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो चलिए गाइस वनडे के चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट क्या है गाइस यहाँ पे। गाइस अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ है गाइस, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी ये वाला बना हुआ है, ये वाला यानी कि 70,265। 70,265 का वन डे के चार्ट फ्रेम पर शो जो हो रहा है ना, वो 70,000, ये वाला 70,265 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं सॉफ्ट जो इसका सपोर्ट है, यानी कि सॉफ्ट जो सपोर्ट बना हुआ है इसका, सपोर्ट जो है सॉफ्ट वाला एंड ये वाला, यानी कि इसके अंदर सॉफ्ट जो है 71,796, ये एक सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट है गाइस यहाँ पे, ये कि अगर सिल्वर नीचे साइड में भी आता है ना, तो फिर से इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। फिर से अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर 71,700 एंड 70,265 के बीच में कंसोलिडेट फिर से कर सकता है यहाँ पे। लेकिन गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे अभी तक है ना, इसकी जो क्लोजिंग हुई थी, यानी कि फ्राइडे को जो इसकी क्लोजिंग हुई थी गाइस, वो क्लोजिंग है ना, ये जो मूविंग एवरेज लगाई हुई है ना गाइस, ये वाले मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है। और ये जो एक सपोर्ट है 73,048, इसी के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और देखने वाली भी यही बातें हैं इसके अंदर, कि यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो गाइस काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है, और सस्टेन भी किया है इसने, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी किया है इसने। तो अपसाइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है सिल्वर, और अपसाइड में काफ़ी बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है ना गाइस, इस चीज़ को मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको सिंपल एंड ईजी तरीके से समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या आप, कहाँ पर आप बाय कर सकते हैं इसके अंदर गाइस। यहाँ पे है ना, इसने जो सिल्वर के अंदर सिग्नल जो मिल गया है ना, सिग्नल तो इसी के ऊपर मिल चुका है, जब इसकी काफ़ी टाइम तक इसने सस्टेन किया था यहाँ पे, यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर भी इसने सस्टेन किया है यहाँ पे 73,048 के ऊपर। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है गाइस इसी रेंज के ऊपर, तो फिर आपको अपसाइड में, यानी कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, आपको फिर 74,280 एंड फिर आपको 76,000, फिर आपको 76,000 तक के आपको अपसाइड में टारगेट्स मिल सकते हैं। और जो काफ़ी बड़े टारगेट्स होंगे, काफ़ी लॉन्ग बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं फिर आपको, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ ना गाइस, इस चीज़ को नोट कर लेना, लिख लेना डेफिनेटली। अगली वीडियो के साथ में है ना, अगली जो वीडियो मैं आपको बना के बताऊँगा ना, उसमें मैं फिर आपको रिपीट करके दोबारा बताऊंगा आज ही की वीडियो के बारे में, कि मैंने जो आपको टारगेट्स बताए थे, वो आपको मेरे टारगेट्स वो अचीव भी हो चुके हैं इसके अंदर, फिर से आपको बताऊंगा मैं इस चीज़ को। अगर मैं इसके डाउनसाइड की बात करूंगा, इस अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है ना,
अगर गाइस यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होगा, यानी कि अगर 73,000 से नीचे निकलता है और नीचे निकलने के बाद और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यानी कि सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट करता है, तो फिर आपको एक बार फिर से है ना 71,700 तक के रेंज के आसपास यहाँ पहुँच सकता है सिल्वर डाउन साइड में, जो कि एक फिर से एक सपोर्ट का यह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। फिर से हो सकता है कि यहाँ पे डाउन साइड में सपोर्ट एरिया के पास पहुँच सकता है। तो ये थे डाउन साइड के अंदर, एंड मैंने अपसाइड के अंदर आपको जो लेवल्स बताए गाइस, अपसाइड के लेवल भी बताए हैं एंड डाउन साइड के लेवल बताए हैं, दोनों तरफ के मैंने आपको लेवल बताए हैं। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीक को आपको ये लेवल्स मिलने वाले हैं, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए अगर आपको मैं थोड़ा सा चार्ट क्लोज करके दिखाऊँ ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा इसके अंदर। और मैंने आपको बार बार समझाया है इसके अंदर कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग होती है ना, यानी कि सस्टेन करता है, जब ही बाउंस होता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे है ना अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर से यहाँ पे अपसाइड में निकला और बाउंस किया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अच्छी तरह से और भी एंड सपोर्ट भी है, तो फिर आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बाउंस करके अपसाइड में जा सकता है सिल्वर, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, और डेफिनेटली मार्केट के अंदर है ना ये लेवल्स आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल डंके की चोट पे, डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और प्रॉफिट बनाइएगा इस इसके अंदर। जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, लेवल्स को फॉलो करोगे आप बिल्कुल इसके अंदर प्रॉफिट बना के निकलोगे गाइस, ठीक है ना। तो चलिए गाइस वीडियो क्लोज करता हूँ मैं, धन्यवाद ट्रेडर्स।